सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचार समाज बदलबाक हमर सभक अभियान प्रणाम ई अछि टाइम्स टेलीविजन अपने देख रहल छी टाइम्स समाचार हम दीपक शुरू करी प्रदेश दू में सरकार भीतर आर्थिक अनुशासन के अभाव देखल गेल संबंधी समाचारक प्रसंग सँ प्रदेश नंबर दू सरकार विकास के जतेक बात केने रहितो सरकारे भीतर आर्थिक अनुशासन के अभाव देखल गेल अछि मंत्री सब के निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक बजट जा रहल अछि त मंत्री सब अपन अपन कार्यकर्ता सब के पालन पोषण करय जका काज सब कर रहल विपक्षी दल सभक आरोप अछि भरखरे महालेखा परीक्षक सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में सेहो प्रदेश नंबर दो में अत्यधिक बजट बेरुजू देखल गेल अछि मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेतृत्वक सरकार खर्च में अनियमितता केने बारे महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक केने आर्थिक वर्ष 2074-75 के प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि एतेक मात्र नहि मंत्री सब अपन निर्वाचन क्षेत्र सब बेसी रकम रकमांतरण केने छथि अत्यधिक रूप में रकम रकमांतर भेलाक बाद विपक्षी दल सब सरकार विरुद्ध आक्रोशित बनल अछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल प्रदेश सरकार नियम आ कानून के धजिया उड़बैत आगा बढ़ रहल से आरोप लगौलनि तहिना नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक उपेन्द्र सिंह कुशवाहा सेहो मंत्री सब अपन क्षेत्र में बेसी बजट केन्द्रित करय लगलाक कारण से सरकार असमावेशी विकास के सिद्धांत में अग्रसर रहल से जिक्र कयलनि हमरा कानून लाई मिचेरा अगाडि बढ्दै छन् उसले गरेका भद्र सहमतिहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् सबै चाहिँ योजनाहरू एउटा प्राविधिक मार्फत चाहिँ प्राविधिक कार्यालय मार्फत जानु पर्थ्यो त्यो प्राविधिक कार्यालय मार्फत जाँदैनन् उसले डाइरेक्टै चाहिँ सरकार यानि मन्त्रालय स्तरबाटै चाहिँ योजनाहरू छनौट गरी योजना डाइरेक्ट दिने गरेको पाइएको छ त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपले टोटल्ली चाहिँ अनियमित भएर काम गर्दैछ बजट जी लोग वितरण कई थी वही बजट में हम सब सुन रहा थी सप्तरी के हनुमान नगर नगर पालिका हमें सब याद आ रही है मंत्री नवल किशोर साह जी के सुपुत्र वही ठाम मेयर थे एक एक का नगर पालिका में 24-24 करोड़ बजट जाए थे वहू में नाम टोक के टेलीफोन नंबर लिख के प्रदेश दू के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर साह पुत्र मेयर रहल नगर पालिका के 24 करोड़ रुपया फुटकर योजना में विनियोजन केने छथि आर्थिक वर्ष के अंत देश कर्मचारी आ व्यवस्थापन समस्या देखबैत मंत्रालय शिक्षा आ स्वास्थ्य में खर्च कर विनियोजन कयल गेल 70 करोड़ रुपया फुटकर योजना में रकमांतरण केने छथि सब तरीके हनुमान नगर नगर पालिका में मात्र 24 करोड़ रुपया फुटकर विनियोजन कयल गेल अछि हनुमान नगर नगर पालिकाक मेयर शैलेश कुमार साह मंत्री नवल किशोर के छोट पुत्र छन राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा सब पिता पुत्र चुनाव जीतल छथि पुत्र मेयर रहल हनुमान नगर नगर पालिकाक मंत्री साह के संसदीय क्षेत्र सेहो छन जनकपुर धाम में कानून महाविद्यालय के संभाव्यता अध्ययन के लिए मंत्रालय विनियोजन के 5 लाख रुपया में 5 लाख थप क 10 लाख रुपया हनुमान नगर स्थित महासेठ पोखरी घाट निर्माण करय लेल देल गेल अछि शिक्षा आवासीय विद्यालय के लिए संभाव्यता अध्ययन के 5 लाख रुपया में 70 लाख रुपया थप क 75 लाख रुपया हनुमान नगर के योगिनिया में भगवती मंदिर के दीवाल आ धर्मशाला बनाब विनियोजन कयल गेल अछि बाल अधिकार संबंधी कार्यक्रम के अनुगमन आ निरीक्षण में विनियोजन कयल गेल 4,80,000 में थप क 2,25,22,000 रुपया योगिनिया में सामुदायिक भवन बनाब लेल देल गेल अछि मंत्रालय मार्गशात गते कार्यक्रम परिमार्जन के स्वीकृत करैत शिक्षा आ स्वास्थ्य के बजट फुटकर योजना में देने अछि कालाजार क्षेत्र में विषादी छिटय वाला मशीन खरीद के 7,50,000 रुपया बराबर के जनता मावी कचौरबा के कक्षा कोठा बनाब लेल रकमांतरण कयल गेल अछि स्वास्थ्य अनुसंधान आ सर्वेक्षण के 2,40,00,000 चालू खर्च के सामाजिक विकास मंत्रालय रामजानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी गिद्धखोरा के जीर्णोद्वार में रकमांतर केने छथि अपांगता भेल व्यक्ति के दोभाषे सहितक सेवा संचालन के लेल विनियोजन कयल गेल 3,60,000 रुपया में थपि कऽ 2,64,00,000 रुपया सप्तरी के कुनौली बॉर्डर में गजेन्द्र नारायण सिंह स्मारक बनाबय लेल देल गेल अछि मैथिली खाना के प्रवर्धन के लेल विनियोजन कयल गेल 5,00,000 रुपया में थपि कऽ 10,00,000 सिरहा कल्याणपुर में
विद्यालय के भवन निर्माण में छुटियाल गए। मंत्रालय 274 शीर्षक में विनियोजन केने बजट के रकमांतरण ककर नेता कार्यकर्ता अपन परिवारजन के व्यक्ति आ लगपास के व्यक्ति के रिझाव लेल फुटकर योजना में रखने शाह मंत्री स्तरीय निर्णय करत बजट के नतीजामूलक कार्यान्वयन के लिए रकमांतरण केने उल्लेख है। एम्हर मंत्री नवल किशोर शाह विपक्षी दल सब लगौने आरोप में कोनो सत्यता नहीं रहल बतौलन। वो स्वयं सब जिला सब में समान रूप में बजट पठौने से दावी केने छथि। पुराओ विरोधी ले यस्तै बिना प्रमाण को बिना कुनै आधार को त्यसै विरोध गर्न त पाउँछ नि, त्यो कसैको मुखमा छेक्न त पाउँदैन। तर जति भनेको छ त्यतिको प्रमाण भयो भनेदेखि मलाई जो भन्नुहुन्छ त्यो गर्न म तयार छु। त्यो कुरा होइन। अब विरोधीले त आफ्नो मनको कुरा निकालेपछि उसको मुख छेक्न पाउँदैन। मैले कुनै पनि त्यो त्यस्ता काम गरेको छैन। मन्त्री भएपछि त मानिसको यो बढी हुन्छ, क्षेत्रका जनताको यो हुन्छ, आकाङ्क्षा हुन्छ। रकम किन खर्च गर्ने त्यसमा? पहिला केन्द्रबाट जो आएको छ त्यो पनि एक पैसा खर्च भएको छैन। करोडको करोड बजेट त्यसै परिरहेछ। हामी आफ्नो सिग्नेचरले कसैलाई दिन सक्दैन। कहिले सचिवै छैन, कहिले तपाईँको कर्मचारी छैन। प्रदेश सरकारक मन्त्री सब बीच बजेट अपन क्षेत्रमे लजा रहल तनातान के कारण सब प्रदेश सभाक सदस्य सब आक्रोशित भेल छथि। मंत्री सब अपन क्षेत्र मुखी मात्र केन्द्रित बनल कहत राज्य मंत्री सब सेहो असंतुष्ट बनल छथि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्थ समाजक उत्थान दिशा निर्देश कर तथा समाज के सही मार्ग देखाब ईश्वर समय समय में महात्मा सब के जन्म दैत आयल बतौलन। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर के 2618 जन्म जयंती के अवसर में वीरगंज में आयोजित कार्यक्रम में ओ एहन धारणा रखलन। ओ महावीर के समकालीन भगवान बुद्ध सेहो छथि से कहलन। संगे ओ भगवान महावीर देखौने विभिन्न मार्ग तथा सिखौने अहिंसाक पाठ से सब गोटे के सिखबाक आवश्यकता अछि से कहलन। भगवान महावीर पृथ्वी में रहल पशु पक्षी सहितक विभिन्न प्राणी सब के प्रेम कर आ अहिंसा के मार्ग में चल लेल सिखौने ओ कहलन। कार्यक्रम में समाज सेवी का बिना पंत पृथ्वी में रहल हरेक प्राणी के प्रेम करबाक चाही से धारणा रखने छली। पंत ओझराहट अवस्था में रहल खाहिल पशु पक्षी सब के विभिन्न समय में इलाज कराबे से लक निस्वार्थ रूप में समाज सेवा में सक्रिय रहला से अशोक कुमार वैद्य अपन माय के नाम में रहल ट्रस्ट से 51,000 नगद तथा सम्मान पत्र प्रदान केने छला। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार चंद्र किशोर झा वीरगंज आर्थिक नगरी मात्र नहीं भ विभिन्न धर्म तथा जातिक संगम स्थल से हो रहल से कहलन। तहिना महावीर अहिंसा संबंधी संदेश देने आ प्राणी सब के प्रेम कर सिखौने कहलन। राजकुमार वैद्य के सभापतित्व में संपन्न भेल ओहि कार्यक्रम में वेद प्रकाश विश्वनाथ गोयनका विजय सिंह केडिया भारतीय महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद सहितक उपस्थिति छल। बारा आ पर्सा जिला के हावा बहार प्रभावित के लिए प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल 1 करोड़ रुपया के चेक प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के हस्तांतरण के लेने छे। प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री पौडेल बुध दिन प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में मुख्यमंत्री राउत के 1 करोड़ रुपया के चेक हस्तांतरण कैलन। बितलाहा चैत 19 गते 12 पर्सा जिला में भीषण हवा बिहार के कारण 28 गोटे के जान गेल छल त 1,000 से बेसी घायल भेल छल। हवा बिहार से प्रदेश 2 के 12 पर्सा जिला में जनधन के पैघ क्षति भेलाक बाद प्रदेश 3 सरकार राहत स्वरूप 1 करोड़ रुपया सहयोग करबाक घोषणा केने छल। चेक बुझैत प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत विपद के बेर में सहयोग केने प्रति प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री आ प्रदेश सभा के धन्यवाद ज्ञापन कैलन। एम्हर चेक हस्तांतरण करत प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री पौडेल विपद के बेर में एक दोसर के सहयोग करबाक संदेश प्रवाह हैत से विश्वास व्यक्त केने छलैत। विगत में अपन अपन स्थान से एक दोसर के सहयोग कर परबाक संदेश मुख्यमंत्री पौडेल देलन। ऐसे पहले प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री पौडेल 12 पर्सा के हवा बिहार प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण सेहो केने छलैथ।
प्रदेश तीन के सांसद सभक तीन दिन के तलब बराबर 4,69,050 रुपया से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कैल गए। बैंक में जमा केने भाउचर प्रदेश तीन के उपसभामुख राधिका तामांग मुख्यमंत्री राउत के हस्तांतरण केने छली। मुख्यमंत्री पौडेल संगे उपसभामुख तामांग मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के सचिव रमेश शिवाकोटी भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के सचिव कौशल किशोर झा प्रदेश दू के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव कोमल खत्री लगायत के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नेतृत्व में जनकपुर धामक दूटा मिठाई दुकान में बुध दिन अनुगमन कैल गेल। जनकपुर धामक हंसराज मिठाई दुकान तथा रघुपति मिष्ठान भंडार में छड़के के क्रम में खाद्य सामग्री सब में नेपाल में प्रतिबंधित वस्तु प्रयोग भ रहल अनुगमन टोली जनौलक। आयोग के केंद्रीय सदस्य मोहना अंसारी के नेतृत्व में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक महासचिव जितेंद्र महासेठ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय के प्रतिनिधि नागरिक समाज संयुक्त रूप में छड़के कलक। हंसराज मिठाई दुकान में बिक्री के लिए रखने मिठाई में शुरू में अनुगमन केला पर रंग के मात्रा बेसी देखल गेल छल। दुकान अनुगमन पश्चात गोदाम में छड़के केला पर मिठाई लगायत के खाद्य सामग्री सब में नेपाल में लगाओल गेल प्रतिबंधित वस्तु सब प्रयोग केने देखल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल नेपाल में प्रतिबंधित वस्तु सब हंसराज के गोदाम में पेलाक बाद तत्काले उस सामग्री सब कब्जा में लक जांच पड़ताल के लिए खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय में पठाओल गेल बतौलन। अनुगमन के क्रम में खाद्य वस्तु में सागर SMP के बेसी प्रयोग देखल गेल छल जखन कि सागर SMP नेपाल में प्रतिबंधित है। तहिना गुलशन हाइड्रो से हो प्रयोग में अन्य देखल गेल छल। खाद्य प्रविधि के अनुसार इस सामग्री सब स्वास्थ्य के लिए घातक मात्र नहीं बिख सरह अछि। ओ खाद्य सामग्री में एके प्रयोग से कैंसर सन भयावह रोग लागबाक बेसी संभावना रहल से बतौने छथि। प्रमुख जिलाधिकारी कणेल सब खाद्य सामग्री से जांच पड़ताल के लिए नमूना के रूप में पठाओल गेल बतौलनि। तहिना रघुपति मिष्ठान भंडार में सेहो अनुगमन कयल गेल। ओतः सेहो दूध तथा मिठाई में मरल कीड़ा से भेटल छल। पावरोटी में तोकायल एक्सपायर मिति निर्माण कर से पहिने के देखल गेल छल। मिठाई तथा दूध में परल कीड़ा के तत्काले ओहिठाम नष्ट कयल गेल छल। प्रदेश सरकार जनकपुर अंचल अस्पताल के प्रदेश नंबर दू के प्रादेशिक अस्पताल नामकरण करबाक निर्णय केलक अछि। जनकपुर नंबर दू के सामाजिक विकास मंत्रालय विगत में अंचल अस्पताल के रूप में रहल जनकपुर अंचल अस्पतालक स्वरूप के प्रादेशिक अस्पताल नामकरण करबाक निर्णय केलक अछि। बुध दिन सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मंत्रालय द्वारा ओ नामकरण प्रस्ताव बारे उठाओल गेल टिप्पणी आदेश में निर्णय कयलनि। ओ नामकरण प्रस्ताव 5 गते बैसवला मंत्रिपरिषद के बैसार में लौ जाए के तैयारी केने छी। मंत्री शाह कहलनि नाम मात्र नहि बल्कि प्रादेशिक अस्पताल के लिए आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सेहो वह अनुसार विकसित करैत जेबाक तैयारी भ रहल अछि। बृहस्पति दिन बैसवला मंत्रिपरिषद के बैसार में अन्य मंत्री सेहो सर्वसम्मत ढंग से ओहि प्रस्ताव के पारित करता तय में स्वयं आशावादी छी सेहो कहलनि। जनकपुर धाम एखन प्रदेश के अस्थायी राजधानी सेहो रहला से ओहि अंचल अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल नामकरण कयल जा रहल कहलनि। विगत में संघीय सरकार मातहत रहल जनकपुर अंचल अस्पताल एखन प्रदेश सरकार के मातहत में आबि चुकल अछि। उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मंत्री बनलाक बाद प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कयल गेल अछि। ओहि अस्पताल के बजट से लऽ कऽ कर्मचारी नियुक्ति धरि सब काज प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय मार्फत संचालन भ रहल अछि। 200 शैया के ओ अस्पताल में 100 शैया सरकार आ 100 शैया विकास समिति मार्फत संचालित छल। एखन विकास समिति विघटन भेल अछि। धनुषा में एक 12 वर्षीय बालिका अपहरण में पड़ल अछि। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका वार्ड नंबर 7 किसानपुर के बालिका बबी कुमारी महतो अपहरण में पड़ल अछि। मंगल के साँझ घर से निकलल बेर में ओकरा अपहरण कयल गेल। हुनक दीदी रवि कुमारी महतो बतौलिय छे। बालिकाक पिता श्याम महतो वैदेशिक रोजगारी में छथि। गाँव में दोकान संचालन के नया रकम लेन देन में स्थानीय रजाक अंसारी आ ओकर भाय मुश्ताक अंसारी संगे विवाद भेला से ओ सब अपहरण के नया आशंका दीदी रवि के छनि। दीदी रवि जिला प्रहरी
कार्यालय धनुषा में अपन बहन के अपहरण भेल कहि क खोजबीन के लेल जानकारी करौली अछि। अपहरित बालिका स्थानीय विद्यालय के कक्षा 5 में अध्ययनरत छली। बालिका अपहरण में पड़लाक बाद ओकर घर में कन्ना रोहट चलल अछि। एकीकरण के लेल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच चल रहल अनौपचारिक वार्ता क्रम में फोरम नेपाल एकीकृत पार्टी के नाम संघीय समाजवादी फोरम राख के प्रस्ताव कलक है। तहिना फोरम नेपाल के झंडा आ चुनाव चिन्ह राख के प्रस्ताव से कल गए। एत धर जे अध्यक्ष मंडल में एक नंबर के अध्यक्ष फोरम नेपाल रह पड़बाक प्रस्ताव से आयल। वार्ता टोली के गोट सदस्य जानकारी देने फोरम नेपाल के वार्ता समितिक संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ आ राजपा नेपालक वार्ता समितिक संयोजक राजेन्द्र महतो बीच बैशाख 1 गते अनौपचारिक विमर्श भेल छल। पार्टी के नाम झंडा चुनाव चिन्ह आ एक नंबर के मर्यादा क्रम के प्रस्ताव फोरम नेपाल रखलाक बाद ओहि के कोनो ठोस जवाब राजपा नेपाल नहीं देने छल। वार्ता समिति संयोजक महतो ई बात स्वयं पार्टी में राखब से कहलन। विमर्श महतो निवास में भेल छल। दोनों पार्टी के दिशा एकीकरण के लिए वार्ता समिति गठन भेल रहितो एखन धरि औपचारिक वार्ता शुरू नहीं भ सकल अछि। राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडल के सदस्य सेहो रहल वार्ता समिति संयोजक महतो अनौपचारिक विमर्श भेल बात स्वीकार करैत कहलन फोरम नेपाल सरकार नहीं छोड़ धरि वार्ता के लिए वातावरण तैयार नहीं हैत। अनौपचारिक विमर्श भेल रहितो फोरम नेपाल के दिस से ओहन कोनो प्रस्ताव नहीं आयल। दावी करैतो एकीकृत पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह अपन पार्टी के हेबाक चाही से बतौने छलैत। एकटा महिला भेलाक कारण से स्वयं निर्देशन केने चलचित्र के महोत्सव में प्रदर्शन नहीं कयल गेल कहित महिला कलाकार पूजा पासवान मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के आगा आयोजक ऊपर विभिन्न आरोप सब लगौलिए। जनकपुर धाम में जारी रहल प्रदेश स्तरीय नाटक एवं चलचित्र सांस्कृतिक महोत्सव के 4 दिन बुध दिन मुख्यमंत्री राउत प्रमुख अतिथि रहल बेर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान ऊपर प्रश्न उठबैत स्वयं बेटी जायत रहला से आयोजक विभेद केने कहित काखक बच्चा के लाइट के मंच में जा कन्ना रोहट करत अपन चलचित्र प्रदर्शन करबाक मांग केने चली। महोत्सव में दहेजक पीड़ा नामक चलचित्र पूजा निर्देशन के लिए नामांकन कराने छली मुदा महोत्सव के नाटक समापन धर आयल रहितो सेहो अपन फिल्म प्रदर्शन नहीं कयल गेल कहित स्थानीय कलाकार पूजा आयोजक ऊपर बहुत रास प्रश्न सब उठौने छली। बाटिका नेपाल 2062 साल हो देश में प्रतिगमन आंदोलन में चौबटिया बुलंद करो स्थापना को ठेकै डूबल पति 2064 साल बैसाख 2 गते डिजिटल नेपाल सरकार को संबंधित निकाय संस्था द्वारा मु
मुख्यमन्त्री लाल बाबू राउत कलाकार पूजा के चलचित्र तत्काल प्रस्तुतकरण निर्देशन देलाक बाद चलचित्र प्रदर्शन शुरू कयल गेल छल। महोत्सव आयोजक उपेन्द्र भगत नागवंशी अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल कहत पूजा के आर्थिक चलखेल प्रमाणित कर मंच से चुनौती देलनि। चार दिन से जनकपुरधामक उद्योग वाणिज्य संघ में जारी नाटक चलचित्र महोत्सव के चारिम दिन नाटक समापन आ सम्मान कार्यक्रम छल। महोतरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पर एक गोटे गंभीर घायल भेल छथि। महोतरी से जनकपुर धाम आवे के क्रम में परकौली में बुध दिन दुर्घटना भेला पर महोतरी आगेपुर के करीब 25 वर्षक युवक मोटरसाइकिल चालक अनबारुल शेख गंभीर घायल भेल छथि। घायल शेख के जनकपुर धाम स्थित समर हॉस्पिटल में इलाजक लेल आनल गेल रहितो हुनकर इलाज एतय संभव नै भेलाक बाद थप इलाजक लेल बाहर पठाओल गेल अछि। दुर्घटना में पड़ल मोटरसाइकिल के नंबर नहीं खुज सकल। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 में बुध दिन से 10 दिन मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू भेल। स्थानीय विकास प्रतिष्ठान के आयोजना आ जिला पूर्वाधार विकास कार्यालय धमसाक सहयोग में 10 दिन मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू भेल। तालीम में स्थानीय महिला सबके सहभागिता है। सहभागी सबके 10 दिन धर मिथिला पेंटिंग सिखाओल जात प्रतिष्ठान जनौलक। स्थानीय विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मीनू झा के अध्यक्षता में भेल तालीम उद्घाटन कार्यक्रम में समाजसेवी रघुनाथ दास के प्रमुख आतिथ्य छल। कार्यक्रम में महिला नेत्री नीलम कर्ण, अनिता श्रीवास्तव, रिंकू शाह, पूर्वाधार विकास कार्यालय के वीरेंद्र प्रसाद शाह सहित व्यक्ति सबके उपस्थिति छल। महिला सबके आत्मनिर्भर बनाबे के उद्देश्य से तालीम के आयोजना कयल गेल अध्यक्ष झा जानकारी करौने छथि। सप्तरी के राजबिराज स्थित 3 दुकान में बुध दिन भिनसर आगि लगी भेला से करोड़ों के क्षति पहुँचल। राजबिराज स्थित होटल पशुपति, सौरभ शीतल कोल्ड आ कपड़ा दुकान में अचानक भेल आगि लगी में दुकान में रहल संपूर्ण सामान जरि कर करोड़ों रुपया के क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के DSP एवं प्रवक्ता भावेश रिमाल जानकारी दिलन। हुनक अनुसार आगि लगी के विस्तृत तथ्यांक आब बाकी रहल तथा आगि लगी से करोड़ों के क्षति भेल अनुमान कयल गेल से बतौलन। आगि लगी में पशुपति होटल के संपूर्ण सामान के संगे कपड़ा दुकान के संपूर्ण लत्ता कपड़ा जड़ के संगे मदिरा दुकान में सेहो बहुत क्षति पहुँचल से बताओल गेल छे। एम्हर आगि लगी कोना भेल से नै खुज सकल रहितो ओहि संबंध में आवश्यक अनुसंधान भ रहल से जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। चौधरी ग्रुप द्वारा संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल के बस ठोकर देला से बीरगंज में एक महिला के मृत्यु भेल। मायस्थान चौक में ना 1-7767 नंबर के स्कूल बस के ठोकर से बीरगंज 6 कुम्हाल टोल के 32 वर्षीय कुंजना चौरसिया के मृत्यु भेल। ना 13-5987 नंबर के मोटरसाइकिल पर सवार चौरसिया के मायस्थान चौक लग बस ठोकर देने छल। ठोकर से गंभीर घायल भेल चौरसिया के इलाजक लेल बीरगंजक नारायणी अस्पताल में पहुँचाओल गेल छल मुदा हुनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। ओड़ा प्रहरी कार्यालय वीरता के प्रहरी निरीक्षक निशांत थापा बतौलन। ठोकर देने बस के चालक फरार है। बस के परसा पुलिस अपन नियंत्रण में रखने से बताओल गेल छ। अपने पुत्री के हत्या के आरोप में 12 के तबारक मियाँ के जेल चलान कयल गेल छ। 12 जिला अदालत अपने पुत्री के हत्या के आरोप में जिला फेटा गाँव पालिका 6 के मियाँ के पूर्व पक्ष के लिए जेल चलान कलक। आरोपित मियाँ बितलहा फागुन 15 गते घरायसी विवाद में अपन पुत्री जुबैदा खातून के गर्दन दाबि कर हत्या कने छल। घटना पश्चात फरार रहल मियाँ के 12 पुलिस परसा पुलिस के सहयोग में बितलहा चैत 28 गते पकड़ कर जिला अदालत में बुझौने छल। नारायणी अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इनामुल हक के कार्यवाहीक मांग करैत राजपा निकट राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ परसा जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। मेसू डॉक्टर हक आ किछ कर्मचारी के कारण अस्पताल के अवस्था दयनीय बनल कहत विद्यार्थी संघ सहायक प्रमुख जिलाधिकारी नेत्र बहादुर शर्मा मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक। देश के पैघ अस्पताल मध्य नारायणी अस्पताल सेहो एक अछि। ओ अस्पताल पूर्ण रूप
रूपमे सरकारी अनुदान सँ चलित अछि से ज्ञापन पत्र में कहल गेल अछि। कम खर्च में नीक इलाज हैत कहि कऽ निजी अस्पताल छोड़कर दैनिक सयों के संख्या में रोगी सब इलाज कराबऽ पहुँचे छथि, मुदा मेसू आ कर्मचारी के कारण से अखन अस्पताल के अवस्था दयनीय बनल अछि। मेसू आ किछु कर्मचारी के कारण अस्पताल के सेवा सुविधा दिन प्रतिदिन कमजोर होइत गेला सँ ओकरा सब के कार्यवाही के लेल स्थानीय प्रशासन मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने संघक जिला अध्यक्ष मधुसूदन चौरसिया बतौलनि। अस्पताल में मेसू 22 लाख दाम पड़े वाला क्लिया मशीन गोप्य रूप में आदान बदल कर व्यापक अनियमितता के न कहे चौतरफी विरोध होबय लागल अछि। काठमांडू के लाजिमपाट से 50 किलो गांजा सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्ग के विशेष टोली ओकरा सबके पकड़लक अछि। पकड़ायल व्यक्ति सब सिंधुली के कुमार घी सिंह आ पदम श्रेष्ठ अछि। ओकरा सबके परिसर पत्रकार सम्मेलन क के सार्वजनिक कयलक अछि। लाजिमपाट क्षेत्र में गांजा के व्यापक कारोबार होइत अछि से गोप्य सूचना के आधार में पुलिस एहि सँ पहिने ओहि क्षेत्र के विभिन्न ठाव में छापामारी करैत आबि रहल छल। प्रदेश सरकार चीन से गाय आनो खोजने विरोध में प्रदर्शन कैल गेल अछि। सरलाही के सदर मुकाम मलंगबा में बुध दिन जम्मा भेल किछ युवा सब चीन विरोधी नारा सहित प्रदर्शन कैलक अछि। जनजागृति युवा क्लबक अध्यक्ष सागर यादव के नेतृत्व में चीन से गाय आनो लागल विरोध में युवा सब सांकेतिक प्रदर्शन कैलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब गो बैक चाइना, विदेशी ज्ञान नहीं चाही, नेपाली कृषक ऊपर खेलवाड़ नहीं कर पेबाक सन नारा लिखल प्ले कार्ड रखने छल। चीन से ज्ञान आना प्रदेश 2, प्रदेश 3 आ गंडकी प्रदेश सरकार इससे पहले समझौता कर चुकल है। सबसे पहले प्रदेश 3 के सरकार नेपाल के दूध में आत्मनिर्भर बनाए कहे 4000 गाय चीन से आनबाक सहमति केने छल। चीन से गाय आनबाक निर्णय के विरोध में इससे पहले प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में युवा सब चाइना गो बैक नारा लगौने छल। चीन संगे मिलकर प्रदेश 2 सरकार कृषि परियोजना चलाब लागल कहत राजविराज में सेहो इससे पहले प्रदर्शन कैल गेल छल। भूमाफिया कब्जा जमौने बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास के जग्गा में राष्ट्रीय झंडा गाड़ पहुँचल विवेकशील नेपाली दलक नेता कार्यकर्ता सबके पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। बुध दिन भिनसर सरकारी जग्गा भूमाफिया के कब्जा में पड़लाक बाद ओहि के विरोध में प्रधानमंत्री निवास पाछा रहल जग्गा में राष्ट्रीय झंडा गाड़ पहुँचल विवेकशील नेपाली दल के अध्यक्ष उज्ज्वल थापा सहित एक दर्जन से बेसी नेता कार्यकर्ता के पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। प्रधानमंत्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास आ सभा मुख्य निवास पाछा रहल सरकारी जग्गा भूमाफिया मार्फत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव विष्णु पौडेल के नाम में सेहो बिक्री कैल गेलाक बाद ओहि के विरोध में विवेकशील नेपाली दलक नेता कार्यकर्ता स्थानीय सहित उतरल छल। ओ सब निषेधित क्षेत्र तोड़ खोजलाक बाद पुलिस नियंत्रण में लेने छल। पुलिस नियंत्रण में लेबाक क्रम में ओ सब सार्वजनिक जग्गा में राष्ट्रीय झंडा गाड़ पेबाक नागरिक के हक ऊपर हनन कैल गेल कहत सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छल। डडेलधुरा के अजय मेरू गांवपालिकाक आयोजना रहल अजय मेरू महोत्सव के उद्घाटन समारोह के स्टेज टूटल अछि। मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट सहितक पाहुन सब स्टेज में रहल बेर में टूटल छल। घटना में 3 गोटे घायल भेल अछि। घायल होवला में अजय मेरू गांवपालिका 3 के देवकी पंत, उर्मिला पंत आ गीता पंत छथि। 3 गोटे सामान्य इलाज के बाद घर घुरल, डडेलधुरा अस्पताल जनौलक अछि। मुख्यमंत्री कार्यक्रम उद्घाटन के लेल स्टेज में रहल बेर में महोत्सव के स्टेज टूटल छल, मुदा मुख्यमंत्री के कोनो चोट नहीं लागल। स्टेज में रहल सबके पुलिस तत्काले उद्धार केने छल। स्टेज टूटलाक बाद फिर कार्यक्रम शुरू भेल आ मुख्यमंत्री भट्ट महोत्सव के उद्घाटन सेहो केने छलथि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा हिंसा के रास्ता अपनौने नेत्र विक्रम चंद नेतृत्वक समूह संग वार्ता प्रक्रिया भ रहल बतौलने छ। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश नंबर 3 स्तरीय शांति सुरक्षा गोष्ठी के बुध दिन उद्घाटन कार्यक्रम में ओ हिंसा के रास्ता चलवला ककरो नहीं छोड़बाक उल्लेख कैलन। संविधान आ राज्य विरोधी तथा विखंडनकारी तत्व के वर्तमान सरकार नियंत्रण करत शांति सुरक्षा काज के व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनौने ओ कहलन। गृहमंत्री थापा विकास एवं समृद्धि के लिए शांति सुरक्षा अत्यंत आवश्यक रहल आ ओहि दिश सरकार प्रतिबद्ध रहल से स्पष्ट कैलन।
देशमै चोरी तस्करी गुण्डागर्दी हिंसा अपराध भ्रष्टाचार अनियमितता लगायत गैर कानूनी काज नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष अभियान सुरु केने बतावत गृहमन्त्री थापा ओही काजमै सरकार सफल सेहो होइत गेल आ शान्ति सुरक्षामै सुधार आयल से बतौलन ओ नया प्रहरी एन नै आयल अवस्थामै पुरान एन के आधारमै संघ प्रदेश आ स्थानीय तह शान्ति सुरक्षा के काज कऽ रहल से कहलनि गोष्ठीमै 13 जिल्ला के प्रमुख जिलाधिकारी नेपाल प्रहरी के प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख आ नेपाली सेना के उच्च पदस्थ पदाधिकारी लगायत जिला सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके सहभागिता अछि नवलपरासी सुस्तापूर्व के देवचुली नगरपालिका दुमकौली स्थित चौधरी उद्योग ग्राम परिसर में शक्तिशाली बम विस्फोट भेल छ उद्योग ग्राम परिसर के देवाल लग बुध दिन साँझ 5 बजे शक्तिशाली बम विस्फोट भेल पूर्व पश्चिम राजमार्ग से 25 मीटर के दूरी में रहल उद्योग ग्राम के देवाल में पैघ विस्फोट भेल जानकारी स्थानीय वासी सब देने छल उद्योग ग्राम के मूल गेट के पूर्वारिका देवाल लग विस्फोट भेल रहितो मानवीय क्षति नै भेल छ पुलिस जनौलक अछि बम विस्फोट भेलाक बाद उद्योग लगपास के स्थानीय वासी सब त्रसित भेल छल बम विस्फोट में संलग्न समूह बारे कोनो विवरण नै खुज सकल अछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश कैल गेल दिनेश थपलिया के नाम संसदीय सुनवाई समिति से सर्वसम्मत अनुमोदन कैल गेल छ बुध दिन उजुरीकर्ता आ थपलिया संगे विमर्श केलाक बाद सुनवाई समिति हुनक नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केलक अछि थपलिया विरुद्ध सुनवाई समिति में 6 उजुरी पड़ल छल सुनवाई समिति में थपलिया 3 महीना भीतर उपचुनाव करबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि बुध दिन संसदीय सुनवाई विशेष समिति में उपस्थित थपलिया स्वयं नियुक्त भेला पर उपचुनाव प्राथमिकता में पड़त से कहलनि संघीय संसद प्रदेश के संघे स्थानीय तह के रिक्त पद सब में सेहो उपचुनाव नै भ सकल अछि थपलिया स्थानीय तह धरि निर्वाचन आयोग के पहुँचयबाक कार्ययोजना सेहो पेश केने छलथि बुध दिन के सुनवाई समिति के बैसार से राष्ट्रीय समावेशी आयोगक सदस्य में विष्णु माया ओझा के नाम से हो सर्वसम्मत अनुमोदन कैल गेल छ बताओल गेल छ पोखराक पत्रकार अर्जुन गिरी के रिहाई के मांग करत कास्की के पत्रकार सब जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय में धरना दिलक अछि साइबर क्राइम मुद्दा में पकड़ कर कार्यवाही के विरुद्ध में ओ सब विरोध जनौने छथि धरना तथा विरोध कार्यक्रम के अगुवाई पत्रकार महासंघ कास्की केने छल ओहि में के बद्धता जनबैत गंडकी युवा पत्रकार संजाल संसदीय पत्रकार मंच गंडकी प्रेस संगठन प्रेस यूनियन कास्की लगायत साथ देने छल ओ सब पत्रकारिता साइबर क्राइम अंतर्गत नै पड़ला से पत्रकार गिरी के तत्काल बिना शर्त रिहाई करबाक चाही से मांग केने छलैथ टाइम समाचार में आब आर्थिक प्रसंग सुजुकी फोर व्हीलर के नेपालक लेल आधिकारिक वितरक सीजी मोटोकर तथा ऑटोमेटिव डिवीजन ऑफ सीजी होल्डिंग द्वारा तेसर पुस्ता के वैगन आर बाजार में आनल गेल छ नया पैघ वैगन आर के बोल्ड डिजाइन ग्राहक के सहजे प्रभावित करत से बताओल गेल छ सुधारल गेल स्पेस कम्फर्ट नया जमाना इंफोटेनमेंट सिस्टम तथा अत्यधिक के सीरीज इंजन इंधन किफायत करबाक संगे गाड़ी चलला पर अलगे जीवंत अनुभव प्रदान कैल जात से जनाओल गेल छ विशेषता सबके कारण नेपाली परिवार के लेल विशेष छनौट के रूप में रहत से सुजुकी शोरूम जनकपुर धाम के संचालक प्रमोद कुमार शाह जानकारी देने छथि पहिले हिसाबसँ ई पहिले 1000 से शुरू छलै ई अभी 2 गो वर्षमे निकालने छै पूरा थर्ड जनरेशन के गाड़ी छै मतलब 1000 सीसी और 1200 सीसी दू टाइम निकालने छै BS XI और ZXI सो निकालने छै एक कस्टमर के सुविधा के मद्देनजर रखते हुए ई कंपनी थर्ड जनरेशन के कार लॉन्च करलकै एकर सीट स्मार्ट कम्फर्टेबल हिसाबसँ बनायल गेल छै एकर माइलेज भी बहुत बढ़िया छै 22 किलोमीटर प्रति लीटर सो एकर माइलेज छै एकर प्राइसिंग जे छै अपनेके 24,79,000 छै 25,79,000 और 26,79,000 रेट कायम आओर मार्केट लेते और विशेष हमर ग्राहक वर्ग जे छै से जैसे संतुष्ट रहै छै हमरा पूर्ण आशा विश्वास
उच्च कार्य प्रदर्शन के लिए एहिमे 1.0L तथा नया पैघ वैगन आर में शक्तिशाली 1.2L के इंजन है। इससे 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर तथा 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर यात्रा कैल जा सकबाक जनाओल गेल अछि। सुजुकी नया पैघ वैगन आर विकास कर करीब 670 करोड़ लगानी केने अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्माण कर रहल 60 मेगावाट के ऊपर का त्रिशूली 3A आ 14 मेगावाट के कुलेखानी तेसर जल विद्युत आयोजना का अंतिम चरण में पहुंचल है। कुलेखानी तेसर के 4.2 किलोमीटर मुख्य सुरुंग में पानी दक परीक्षण सम्पन्न भेल आ त्रिशूली 3A के लगभग 5 किलोमीटर मुख्य सुरुंग में बुध दिन से पानी दक परीक्षण शुरू कयल गेल। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घी सिंह जानकारी दिलन। विभिन्न समय में झेलकर रुग्ण बनल दूटा आयोजना सब निरंतर के प्रयास पश्चात निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच कर विद्युत उत्पादन करबाक अवस्था में पहुंचल अछि। से कार्यकारी निर्देशक घी सिंह कहलन कुलेखानी तेसर के मुख्य सुरंग के परीक्षण सम्पन्न कर पानी भर कर रखने छी। ई आयोजना के महत्वपूर्ण माइल स्टोन अछि। विद्युत गृह के टर्बाइन जेनरेटर लगाए तक इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरण सब के जड़ान सम्पन्न कर परीक्षण के क्रम में अछि। अखार से पहिने है विद्युत उत्पादन के लक्ष्य के साथ काज भ रहल सेहो ओ जानकारी करौलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। थाईलैंड में मनाओल जाय वाला सोंगक्रन पावन में भेल सड़क दुर्घटना में अखन धरि 348 गोटे जान गुमा चुकल अछि। घटना में 3,176 गोटे घायल भेल अछि। सड़क सुरक्षा निर्देशन केंद्र के निर्देशक सुकहुम कंचना फिमाई ई घटना बीतला बृहस्पति दिन से मंगल दिन धरि 6 दिन में भेल अछि। आपत रोकथाम आ राहत विभाग जारी केने आंकड़ा अनुसार बीतला 5 दिन में लगभग 3,000 सड़क दुर्घटना भेल अछि। मध्य अधिकांश दुर्घटना चियांगमाई शहर में भेल अछि। सड़क सुरक्षा निर्देशन केंद्र के निर्देशक घटना में पड़ के सबसे बेसी उडोन थानी शहर में 14 गोटे जान गुमौने अछि। चियांगमाई शहर में सबसे बेसी 100 गोटे घायल भेल अछि। अधिकारी के अनुसार अधिकांश दुर्घटना सवारी चालक के लापरवाही से भेल अछि। एहि मध्य नशा में गाड़ी चलला पर 40.68% आ तीव्र गति में सवारी चलला पर 27.54% दुर्घटना भेल अछि। सड़क दुर्घटना में अधिकांश मोटरसाइकिल चालक जान गुमौने अछि। कुल दुर्घटना में ओकरा सबके संख्या 78.85 पहुंचल अछि। 235,838 सवारी चालक ट्रैफिक नियम तोड़ने अछि। 64,296 हेलमेट नहि पहिर कऽ सवारी चलला पर पकड़ायल अछि, जखनकि 57,452 संगे लाइसेंस नहि छल। देश भरि 2,040 चेक पॉइंट्स बनाओल गेल छल। तहिना 65,308 गोटे कर्मचारी तैनात कयल गेल छल। आब खेलकूद समाचार। एसीसी अंडर 16 ईस्टर्न रीजन प्रतियोगिता के लिए विशाल विक्रम के सिख कप्तानी में नेपाली टोली घोषणा भेल अछि। टोली में आशीष भट्टराय, प्रशांत मोहम्मद, अर्जुन कुमार, दीपक बोहरा, सुभाष एर, निखिल कुमार सिंह आ विशाल कुमार पटेल छथि। तहिना क्रिस कार्की, तिलक राज भंडारी, रमेश कुर्मी, रोहन दूत राजविक, प्रशांत सिंह आ सुशांत थापा सेहो टोली में छथि। 20 अप्रैल से थाईलैंड में होबय वाला प्रतियोगिता के समूह ए में नेपाल संगे मलेशिया, म्यांमार आ थाईलैंड अछि। तऽ समूह बी में सिंगापुर, हांगकांग, चीन आ भूटान अछि। एएफसी अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल अंतर्गत दोसर चरण के छनौट खेल वाला नेपाली टीम के घोषणा भेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा यह महीना म्यांमार में होबय लागल एएफसी अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल अंतर्गत दोसर चरण के छनौट प्रतियोगिता के लिए 23 सदस्यीय टीम के घोषणा कयलक अछि। दोसर चरण के खेल 26-30 अप्रैल धरि म्यांमार में भ रहल अछि। समूह ए में आयोजक म्यांमार संगे नेपाल, ऑस्ट्रेलिया आ उज्बेकिस्तान अछि। नेपाल पहिल खेल ऑस्ट्रेलिया संगे 26 अप्रैल में खेलत। तहिना दोसर खेल नेपाल 28 अप्रैल में उज्बेकिस्तान संगे खेलत। से नेपाल अंतिम खेल आयोजक म्यांमार संग 30 तारीख में खेलत। दोसर चरण के समूह ए से विजेता आ उपविजेता एएफसी अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल खेलत। म्यांमार प्रस्थान कर से पहिने नेपाल चीन के भ्रमण करत। चीन के चेंदू स्टेट संग 2 खेल के मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। तत्पश्चात नेपाल ओतै से म्यांमार प्रस्थान करत। देशता एक संग एखनुक टाइम्स समाचार एतै समाप्त भेल। एखनुक समाचार सँ हम दीपक विदा चाहै छी। सत्य, तटस्थ आ निष्पक्ष समाचारक लेल देखित रही टाइम्स टेलीविजन। प्रणाम।